तो भाई गुड मॉर्निंग, देखो फुल तैयार है। रात से लोकेशन मांगी हुई है दिल्ली की, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बुद्धि लगाई जा रही है और हमें थोड़ा सा पागल समझा जा रहा है, पागल ही समझा जा रहा है। डे वन जब हम गए भैया फरीदाबाद, तो भाई जाके बैठ गया सीसीटीवी कैमरे में, जिसमें कह रहा था चार्जर दिखा था, पीछे सीसीटीवी कैमरे दिखा रहा था वो इशारे में कि हम आए उपद्रव मचाएं और वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उठा के पुलिस में दे दे। भाई जेल काटे बैठा हूँ, इतना पागल नहीं हूँ, सब समझता हूँ। अब हमको बहादुरगढ़ बुलाया जा रहा है ताकि यूपी से लोग जाएं, वहाँ उपद्रव हो। बहादुरगढ़ की पुलिस का मुझे फ़ोन आ गया कि भाई बिल्कुल भी मत आना, तुम्हें फंसाने की पूरी पूरी तैयारी है। मैं कहा मैं वैसे भी नहीं आता भाई, कि यहाँ आके तुम लोग उपद्रव मचाओगे, भीड़ लगेगी, जाम होगा। गौरव तनेजा भाई को क्यों उठाया था पुलिस ने, क्योंकि वहाँ जाम लग गया था, भीड़ हो गई थी, कि यूपी के लड़के आके उपद्रव मचा रहे हरियाणा में, गुंडा एक्ट लगेगा सीधे में और आधी अंदर। तो भाई इतने पागल नहीं है, शक्तिशाली बलवान होने में ना और समझदार होने में बहुत डिफरेंस होता है, तुमको भी समझा रहा हूँ जितने भाई देख रहे हैं। कभी भी जिंदगी में बात अगर अकेले अकेले की है या तुम्हारी किसी से बात है, जाके मुंह पीट दो किसी घर में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात किसी ने अगर समाज की बना दी और कहीं तुम्हें अपने गढ़ में बुलाया जा रहा है, जिंदगी में नहीं जाने का भाई। आदि भाई, भाई जाने का मतलब तो बनते ना, अगर तुम्हें आना है तो भाई बीच में कोई जगह रख लो। तो पूरी अब इतना तो दम ही नहीं है। एक बार मैं जाके हुआ आया फरीदाबाद, बल्लमगढ़, फिर उसके बाद कौन सा गांव था वो तुम्हारा, वो मुजैडी, मुजैडी, इतना दम है ही नहीं। वो हमें भी बताया कि भाई ये बंदा यूपी आ जाए, क्योंकि हमें पता भाई मुद देगा यूपी में आके। तो हमने यूपी बुलाया भी नहीं एक भी बार, क्योंकि हमें पता आ ही नहीं सकता। तो भाई ना तेरा गढ़, ना तेरा क्षेत्र, ना मेरा क्षेत्र, तेरा हरियाणा है, मेरा यूपी है, छोड़ देते ना दोनों स्टेट, दोनों स्टेट छोड़ के कहीं भी आ जाए जहां तेरा दिल करे। दिल्ली के बॉर्डर पे आओ, दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे आओ, वहां लड़ो। तो भाई अगर पुलिस भी अरेस्ट करे दोनों को, दोनों पार्टी को, तो कह सके कि भाई एक्सीडेंटली बीच में आए, मिले, लड़ाई हुई। अब हरियाणा पुलिस अगर पकड़ती है तो सीधे वो कहेगी बहन से तुम यूपी से बदमाशी दिखाने हरियाणा आ गए, वाह। क्योंकि भाई जिंदगी में पंगा किसी से लेना पुलिस से नहीं, पुलिस का डंडा नहीं भाई। तो बात ऐसी है, जो मुझे काम करना था ना, जाके डे वन ही में इसको दिखा के आ गया कि भाई राजवीर सिसोदिया है कौन। वहां भाई ने कहा कि मेरा कोई द्वेष नहीं है, आज के बाद कुछ नहीं होगा। बस बुरा उसे ये लग गया कि वो जो वीडियो कॉल वाली वीडियो थी वो हमने रील पर डाल दी, तो वो जो इमेज बनी थी ना बदमाश वाली इंस्टाग्राम के ऊपर, तीन महीने में इतनी वो तो इमेज बनी थी, बदमाश थोड़ी। हाँ, तो वो थोड़ी सी डाउन फील हो गई, तो वो भाई को हो गया बहुत ज्यादा फील। अब वहां से भागा, फिर वो अपने गांव से फिर दूसरे जाटों के गांव में, वहां जाके भाई जैसे तैसे जित बचानी पड़ रही है। तो कभी वन वर्सेस टू, कभी भाई यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, और भाई इतने जोश में है कि इज्जत बचाने के लिए चक्कर में 1 vs 3 भी कह सके भैया। कुछ दो तो मट्टी के भी बुरे हैं, मट्टी के भी। तो भाई बस ये इमेज बचाने के चक्कर में वो हो रहा है। आना है दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाओ, कहीं भी दिल्ली में फुल तैयार हूँ, बैठा हूँ। लोकेशन तेरे पास नंबर है, लोकेशन भेज दियो कि यहाँ खड़े हैं दिल्ली की, सही बात है। और भाई फुल रेडी है दिल्ली, आओ घूसा बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे बड़े भाइयों ने भी, जो जाट है वहां के, रूबल भाई ने भी सारे यही कह रहे, भाई गलती से भी हरियाणा में मत जाना, क्योंकि हरियाणा की पुलिस से सेटिंग करके गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी है कि भाई यहाँ आके बदमाशी करे। तो भाई और गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी भी ना हो तो भाई तुम्हारे क्षेत्र में हम क्यों आए? ना मेरा यूपी रहेगा, ना तुम्हारा हरियाणा रहेगा, बीच की वो पोजीशन रहेगी। वेट कर रहा हूँ, घंटे दो घंटे चाहिए या आज का दिन चाहिए, शाम तक ले लो। हम तो भाई मैं तो उसी दिन से टाइम दे रहा हूँ, कभी 4 घंटे का, कभी 6 घंटे का, आज भी दे रहा हूँ 4 घंटे 6 घंटे ले लो, अच्छे से दिमाग पे थोड़ा बोझ डाल के सोच लो कहाँ मिलना है, और दिल्ली में कहीं भी आ जाओ यार, या आगे कहीं चलना है अपने अपने स्टेट छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं। लोकेशन तुम्हारी, लेकिन दो चीजें छोड़ के, यूपी भी, यूपी और हरियाणा। और दूसरी बात भाई, जो तेरा मन करे जैसे करे, आज शाम का वेट ले कर रहो शाम का कर ले, कल तक का वेट करता हो कल तक का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तेरा मन करे। या भाई इसे अगर ऐसे लग रहा है भीड़ मचेगी, आतंकवाद लगेगा, तो भाई इसे बंद कर दे। बात मेरी राधी की है, किसी भी दिन तुझ पे घूसा पटकाते हुए वीडियो डाल देंगे धप्पा करके, तुझे वो अपना आप दिख जाएगा, वो रिजल्ट तो तुझे मिलेगा, क्योंकि आया, बहुत बदतमीजी करी। आएगा तो वापिस फरीदाबाद ही, कितने दिन रहेगा गाँव में, रह ले भाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन। तो भाई टाइम ले लो और बता दो फटाफट लोकेशन, रात से लोकेशन का वेट कर रहा हूँ यार, अब 2-4 घंटे और ले लो, बताओ फटाफट, फिर हम भी निकले तुम भी निकलो, काम खत्म।